हम खड़े हैं या बढ़ौरा के भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में, जहाँ हमारे साथ एक पंडित जी है। पंडित जी एक बैठकी अपना लगाए हैं, सत्यनारायण जी के कथा सुनाई थे। कितना पैसा लेंगा है? हो के 50% लिया जाता है। कैसे 50%? पंडितों से लिया जाता है, जजमानों से नहीं लिया जाता है। नहीं तो 50% कहूँ मिले थे? जो भी पंडित जी को मिले 500 मिलेगी, तो 250 ठेकेदार का होता है और 250 पंडित का होता है। जी भैया, कब से को ले थे यहाँ पैसा? यहाँ प्रत्येक वर्ष ठेका होता है भमर साहब के थ्रू। हाँ। ये ट्रस्ट में जाता है, ऐसा बोल के लेते हैं कि सफाई व्यवस्था के लिए और ट्रस्ट व्यवस्था के लिए लेते हैं कि व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन व्यवस्था तो क्या चल रही है आप देख ही रहे हैं। नहीं तो ये को ठेका को ले है ये पंडित वाला? ये ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, क्योंकि ये नीति है ब्राह्मण को लड़ाने की नीति है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ही से लड़ा दिया जाए, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि राजनीति तो उपकार करती है लेकिन ये कूटनीति भी करते हैं ना। कूटनीति में तो अब जानते हैं, कूटनीति तो अब चाणक्य को भी फैल कर दी, विदुर को फैल कर दी, ये कूटनीति ही अब है कलयुग में तो विशेष है अंक से कूटनीति। कब से कथा कह रहे हैं? हम तो 10 साल से कर रहे हैं कथा। हाँ। जी पैसा कैका दे थे या जो दिया वाला बताया ना अपना? ये ठेकेदार है जिन उनका नाम लिखा है वहाँ बोर्ड पर। हाँ। तीन जन है। हाँ। एक जन जीतू भैया, मदन भैया और एक जन है कोई उनका नाम है। हाँ। सोनू भैया है। हाँ। ये सब ठेका लिए हैं तो पैसा हो गया, 50% लेते हैं। नहीं तो जानत कैसा नहीं कि आज अपना कितना कमाने, उनके आदमी रहते हैं इधर उधर है, तो हो गया सब देखे रहते हैं, अकाउंट कर लेते हैं दूर दूर से। हाँ। और हो गया बता देते हैं कि इतना हुआ अमाउंट है, उसमें 50% हो जाता है उनका। जी ठीक है, लेट मतलब ये भमर साहब करवावा थी या? अब जी उन्हीं के अंडर में जाता है पैसा, क्योंकि ठेका तो उन्हीं के आदमी देते हैं, उन्हीं के थ्रू होता है, तो पैसा तो उन्हीं के अंडर में जाता है। यहाँ तक कि दान पेटी का भी पैसा जाता है, जो भी अगर अब एक मार्ग यही बचा है धर्म का पैसा, धर्म ही पे सबकी नजर है। और हर युग में तो धर्म की हानि हुई है, ग्लानी हुई है। वैसे भी गोसाई जी ने कहा, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरम कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान को अवतार लेना शिव भक्तों पर अत्याचार यही हो रहा है, और कहीं तो नहीं हुआ दूसरी ओर? नहीं तो ये बताई, जो शंकर जी के मुड़े में चढ़ावा जाता है पैसा वो ले लेते हैं? हाँ उसको भी ले लेते हैं, वो अंदर चला जाता है ना, दान पेटी में डाल देते हैं, मठाधीश जो बैठे हैं वहाँ। हाँ। वो दान पेटी में डाल देते हैं। अच्छा, जो पुजारी बैठे हैं? जी। हाँ। अब पुजारी जी को तो संकल्प में जो ऐसे करके कुशा के साथ दिया जाता है वही पैसा पुजारी जी का है। हाँ। बाकी जो शिव जी के ऊपर चढ़ता है लिंग पर। हाँ। वो पैसा दान पेटी में जाता है। हाँ। और यद्यपि वो जो शिव जी के ऊपर चढ़े तो बाबा पुजारी पंडा का है, जी पूर्व से चला आ रहा है, बाबा लोगों का वैसे भी शंकर जी पूजाते थे, हम लोग तो बाबा लोगों को बुला करके देते थे, पर यहाँ यही देखने को मिल रहा है कि पंडितों का पैसा है, ब्राह्मणों में कर, नाइयों में कर, दुकानदारों में कर, यात्रियों में कर, धर्म के नाम में कर, आस्था के नाम पर कर, यही चल रहा है। एका काम आनी थे ये मतलब प्राइवेट उनके भुइया माँ भगवान निकल आए तो गलती हो गए, अब खानी आ जाते यही भुगतना पड़ रहा भगवान शिव को, क्योंकि उन्हीं की धरती है कहते हैं, यद्यपि उनका ये प्रांगण नहीं है, मेला वहाँ है बागीचा में दर्शाए हैं और यहाँ अपना पट्टा दर्शाए, जबकि मेला यहाँ लगता है, पट्टा वहाँ है उनका। ये तो इलाके के जमाने से रणनीति राजनीति ये तो करते नहीं आए हैं, जातिवाद का प्रबोल वाला, फिर एक एक दूसरे को लड़ा दो, एक दूसरे को भिड़ा दो, यही तो इनका करना है। नहीं अपना संतुष्ट है नहीं है कि व्यवस्था से? हम तो देखिए विशेष संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संतुष्टि उसे कहते हैं कि जब प्रजा संतुष्ट रहे, राजा संतुष्ट है इस समय और प्रजा दुखी है, इसलिए प्रजा पालन तत्पर है, राजा अगर है तो प्रजा पालन में तत्पर रहे तब तो राजा है, नहीं तो राजा रंक भी हो सकता है और रंक राजा भी हो सकता है। जी ये निश्चित तौर पर हमारे साथ पंडित जी रहे जो सत्यनारायण कथा सुनावा थे, और उनके द्वारा बड़ा दुखी भाव से
दुखी मन से यह बात कही जा लगी कि राजा आज संतुष्ट है, प्रजा आज दुखी है, जबकि हो ऐसा चाहिए कि प्रजा जो है संतुष्ट हो चाहिए, राजा संतुष्ट हो चाहिए, किंतु हालात यह कि यहाँ व्यवस्था के नाम पर पैसा उगाहा जात है, बेबे ये शब्द हम कही लागे, किंतु लोगन का व्यवस्था के नाम पर जो है घटिया मजाक हो रहा है, यहाँ लोगन से कौन हिसाब से नाई से लीन जाते हैं, कुछ बताए सकी थी उनका प्रोडक्शन रहता है कि इतने में ठेका दिए हैं, 100 रुपए प्रति मूड़ उनका अनुबंधित रहता है, प्लस न्यौछावर रहती है। हाँ। अब न्यौछावर जो है वो नाई की है, और जो ले लिया तो वसूली हो गई उसके, वो जमा करेगा ठेकेदार को। अच्छा, 100 रुपया मूड़ है ठेका नाव के जी। चलिए हाल है, और अपना एक बात और बड़ी अच्छी कहन कि मेला ओके है, मतलब मेला वो कह देख बगीचा के वो कह दिखावा जाता है, एका पट्टा दिखावा जाता है जी, एका बताई कैसा ना है भाई, पट्टे की जमीन इनकी वहाँ यहाँ तो है नहीं, यहाँ और नदी के वो पार है जी, तिवारी जी लोग बुद्धसेन तिवारी जी पट्टे काबिज हैं जी, और कई लोग काबिज हैं जी, इनका थोड़ा सा है मान लीजिए तो बोलवाला है, इनका दबदबा है, इसलिए पूरे में कैप्चर आ कर लिए हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं, यद्यप पट्टा इनका वहाँ है मेला नदी के पार, बागीचा में, हाँ उस नदी के पार जी, बागीचा इनका पट्टे की भूमि है, मेला वहाँ दर्शाया गया जी, अब यहाँ इसको ये पट्टे में दर्शा दिए, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं जी, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, अब लोग तो बहुत से गरीब रहते हैं और लौट जाते हैं, अब क्या बताएं आप, है ना जी, और 100 रुपया मुँह तक नहुआ से लेते हैं ना जी जी, वो अपना पचन से अधिया बड़े माँ, और जो दुकान लगावा थे उनसे वर्ग फीट में, वर्ग फुट हाँ 800 रुपए वर्ग फुट ऐसा कुछ है जी, 8 रुपये वर्ग फुट जी जी, है ना जी। चलिए, क्या नाम है पंडित जी अपना के? पंडित मुकेश कुमार द्विवेदी, ग्राम कपूरी बैराट जी, जिला सीधी, जिला सीधी मध्य प्रदेश जी। चलिए पंडित जी के द्वारा बेहद अपन समय देगा, अमूल्य समय देगा, ओके खीतिर हम धन्यवाद करी थे पंडित जी, हालांकि इतना बोले वाला इतना हिम्मती आदमी हमका ये पूरे प्रांगण में नहीं दिखान जे खुल के अपने हक खीतिर बोलता सके, हम ओहिन का सुना सकी थे जनता के आवाज का जे बोली, काहे कि महतारी के आगे लड़का का रोबे परत है दूध पिए खीतिर, ऐसे ये प्रांगण के जौ में दुर्गत कीन गई ही लोगन से पैसा वसूला जा लग है, किंतु वह वसूली के बाद लोगन का व्यवस्था के नाम पर भद्दा मजाक कीन जा लग है, और यह हम अपना सबका दिखावे चाहे लगे कि चिन्मयानंद आश्रम के नाम से एठे चंदा इकट्ठा कीन जात है, किंतु व्यवस्था का कीन जाती, पंडित से पैसा, नौवा से पैसा, बैंड वाले से पैसा, एक एक छोट छोट दुकान से पैसा, मानस मंडली से पैसा, भंडारक हवावे वाले से पैसा, मतलब सबसे पैसा खुलेआम उगाहनी कीन जा लगी, और हालात खुलेआम देख सकी थे कि का है एठे, सीधे तौर पर समझे लायक बात ही कि का हो रहा है, किंतु अब बात जिला प्रशासन के, हम कोशिश करब कि हम लेके जाइए जिला प्रशासन के लगे ये मुद्दा का, और ले उनका जवाब, तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम।